हम आज अर्थक्वेक डिजास्टर की रिगार्डिंग एक अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या होता है और इसमें जितने भी टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे, प्लस जो इसका मैनेजमेंट है। आई गेस ये दो क्लासेस, एटलीस्ट दो क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो पहला ही अर्थक्वेक जो है मीन्स कि ये एक वाइड स्प्रेड इवेंट है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है और ये बहुत नुकसान करता है। जैसे फ्लड्स हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में, वो उतना नुकसान नहीं करता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। जैसे फ्लड्स में अगर किसी मकान में फ्लड वाटर घुसेगा तो हम थोड़ा उसमें रिपेयर रिनोवेशन वगैरह करके उसको ठीक कर सकते हैं और लाइव्स का भी नुकसान नहीं होता। बिकॉज जो फ्लड्स होते हैं दे वो एक अचानक से नहीं आते हैं, दे कम ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो आते हैं, वो ग्रेजुअली कुछ रिलीज भी होता है वाटर, तो फ्लड्स भी कम हो जाते हैं। तो बट अर्थक्वेक का ये है कि अर्थक्वेक एक सडन इवेंट है और इसमें जो प्रॉपर्टी का लॉस है इसमें पूरे मकान बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड देन अगर खुदा न खासा रात के टाइम अर्थक्वेक आएगा तो देन लाइव्स का भी नुकसान बहुत होता है। तो मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो हमारा रिंग ऑफ फायर जो जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम नहीं, जो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसमें आता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो अर्थक्वेक आता है। उसमें रीज़न ये है, उसमें एक रिंग ऑफ फायर अगर सर्च करेंगे इंटरनेट में, व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर, वो पैसिफिक ओशन में एक सर्कुलर फॉर्म में कुछ वॉलकेनोस है वहाँ पे, जिसमें जापान वगैरह उस वो एरिया कवर हो जाता है और वो वॉलकेनोस फटते रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया में भी अक्सर वो वॉलकेनोस फटते रहते हैं, फिलीपींस में फटते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, कभी कभी दिन में 4-5 बार भी आते हैं। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अर्थक्वेक हज़ारों साल या 100 साल में एक बार आता है। जैसे कुछ जगह है अमेरिका में, जैसे फ्लोरिडा है, नॉर्थ डकोटा है, तो उन जगह पे किसी मतलब रेयरली कहीं किसी साल में अर्थक्वेक आएगा। एंड दैट है रीजन कि हो सकता है वहाँ पे जो वो लोकेशन है वो फॉल्ट लाइन पे ऑकर नहीं करती है, जैसे कश्मीर वैली फॉल्ट लाइन पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फॉल्ट लाइन। तो अर्थक्वेक जो है ये डेवेस्टेटिंग होता है, और हमने जो 2005 में डेवेस्टिंग अर्थक्वेक जिसका 8 अक्टूबर हुआ था 2005 में अर्थक्वेक, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ था एंड मेजर पोर्शन जो प्रॉपर्टी लॉस एंड लाइव लॉस हुआ था अपार्ट फ्रॉम जो बॉर्डर के उस पार है मुजफ्फरबाद वगैरह। तो और उसका जो वहाँ पे एपिसेंटर वहीं पे भी था। और कुछ कंट्रीज एशिया में भी है जिसमें फ्रिक्वेंटली आता है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे अक्सर आ जाते हैं ये अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक एक सडन जो है अर्थ अपनी एनर्जी रिलीज करता है और फिर शेकिंग ऑफ अर्थ होता है बेसिकली। जब एक किसी भी चीज़ को हम जैसे ये वाला एक पानी का कटोरा है, उसमें अपने कुछ छोटा सा कंकर डाल दिया या उसको हाथ से छू लिया, तो ये रिपल्स बनती है एक। तो रिपल्स बनने के बाद ये फिर टकरा जाती है वो जो इसकी कोस्ट है। तो ये रिपल्स जो होते हैं ये वाले बेसिकली यही होता है जो अर्थक्वेक होता है, जो क्रस्ट होता है अर्थ का, यही हाल उसका भी होता है, ऐसे ही उसका होता है। यहाँ पे जो फोकस होता है, यहाँ पे इनिशिएट होता है अर्थक्वेक, तो यहाँ पे ये फिर प्रोपेगेट होता है, क्रस्ट ऑफ अर्थ पे प्रोपेगेट होता है और ऊपर जो हवा है उससे भी प्रोपेगेट होता है। तो इसमें जो नुकसान होता है तो पूरी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है। तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि हम इसको फिर से मीन्स रिनोवेशन करके ठीक कर सकते हैं जैसे फ्लड्स में करते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा इसको गिराना है, अगर कुछ खड़ा है तो फिर उसको गिराना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन अगेन। तो इसमें बहुत नुकसान होता है। तो अब कितना क्या नुकसान होगा, किस टाइप के रिपल्स क्या इंटेंसिटी रहेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ
इसमें दो टर्म्स है, अक्सर कंफ्यूजिंग टर्म्स है दो अर्थक्वेक में. एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. लोग अनजाने में इस दोनों टर्म्स को मीन्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट. तो उसके इंटेंसिटी करने के इंस्ट्रूमेंट्स, मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट है. तो यहाँ पे आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, अगर आप मीन्स किसी हायर एलिवेशन पे है या किसी एयरक्राफ्ट में है, जहाज़ वगैरह में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं. अगर 2012 एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी, उसमें आपने देखा होगा उसमें कैसे ज़मीन फटती है, तो कैसे नीचे का ऐसे क्रस्ट ट्रफ्स बनते हैं, नीचे की ज़मीन ऊपर जाती है, ऊपर की ज़मीन नीचे जाती है, तो पूरा मिलियामेट हो जाता है, एक वाइब्रेशंस वगैरह चलती है. तो अब जो टर्म्स है रिलेटेड टू अर्थक्वेक, एक होता है फोकस. फोकस होता है वो जगह डीप इनसाइड द अर्थ, जैसे मेंटल में हो सकता है, जहाँ पे बेसिकली अर्थक्वेक जनरेट होता है. फॉल्ट लाइन मीन्स एक क्रस्ट, एक जो टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट से टकराता है, दैट इज इन डीप. यहाँ पे नीचे एक फॉल्ट लाइन होती है. फॉल्ट लाइन यहाँ पे एक ब्रेक होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है. ये पोर्शन इस पोर्शन पे घिसता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये घिसने से पूरा जो है यहाँ पे कहाँ पे घिस जाएगा, तो उसको फोकस बोलेंगे, जहाँ पे ओरिजिनेट होता है बेसिकली. तो वहाँ से फिर एनर्जी रिलीज होती है, फिर ये ऊपर चली जाती है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट जो उसके सरफे फोकस पे अगर परपेंडिकुलर एक लाइन लगाए हम, तो वो पॉइंट जहाँ पे वो मीट करेगी ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उसको एपिसेंटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर खुदा न खास्ता श्रीनगर है एपिसेंटर, ठीक है, बिल्कुल श्रीनगर के डेप्थ के नीचे, जैसे 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर हो, कहाँ पे वो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, उसको फोकस बोलते हैं. तो ये था फोकस एंड एपिसेंटर. दूसरा है, अब मैंने कहा था इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है. देखो, इंटेंसिटी मेजर करता है सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक, शेकिंग इज असेस्ड यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्केल, मीन्स कि जो अंदर का जो बिल्कुल जो ऊपर का जो पोर्शन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जितना पूरा शेक हो जाता है, तो उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. किस इंटे उसको डिफरेंट इक्विपमेंट से हम मेजर करते हैं, मर्सली इंटेंसिटी स्केल, याद रखना. आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करते हैं मर्सली, ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. अगर आप गूगल में सर्च करोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो बिल्कुल यही आएगा. मैंने भी वहीं से उठाया है, गूगल से उठाया है. तो ये है बिल्कुल जो अपर सरफेस जो होती है, सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग, किस सीवियरिटी से अर्थ शेक होता है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, उसको असेस जब किया जाता है एक डिस्क्रिप्टिव स्केल स्केल पे. एक स्केल होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके स्केल होती है, तो उस पे कहाँ पे फिट होता है वो, तो वो इंटेंसिटी होता है. दूसरा होता है कि क्वांटिटी जो होता है, जो एनर्जी होती है, क्वांटिटी. अर्थक्वेक इज अ साइज इज अ क्वांटिटी मेजर ऑफ अ साइज ऑफ अर्थक्वेक एट ए सोर्स. जो सोर्स है, फोकस जहाँ पे हम बोलते हैं, फोकस पे हम जब मेजर करते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, जब हम ऊपर सरफेस पे मेजर करते हैं उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. तो मैग्नीट्यूड हम बेसिकली मेजर करते हैं रेक्टर स्केल. इस पे और भी बहुत सारे स्केल्स हैं. तो ये होता है ये कितना सेस्मिक एनर्जी रिलीज करता है, उसमें एक सेस्मोग्राफ होता है, अक्सर वो देखा होगा, वो लाइंस ऊपर नीचे करता है, वो ग्राफ जैसा बनाता है. तो वो रेक्टर स्केल से भी हम मेजर करते हैं, सेस्मोग्राफ, उसमें वो रेक्टर स्केल वो मेजर करता है बेसिकली. उतना हम डीप नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से, एंड इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं मर्सली स्केल से. अब जो फॉल्ट लाइन होती है, फॉल्ट लाइन कोई भी लाइन जैसे दो लैंड मासेस के बीच में एक तनाव होता है बेसिकली, फोर्स एक लैंड मास दूसरे लैंड मास पे पूरा टकरा जाता है, तो वो कहाँ पे टक्कर खाएगा, तो उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं.
फॉल्ट लाइज सरफेस ट्रेस अ फॉल्ट द लाइन इंटरसेक्ट्स बिटवीन द अर्थ सरफेस, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। अगर दो हाथ मिलाएंगे हम ऐसे, तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे बीच में जो गैप होती है वो उसका एक फॉल्ट लाइन बनता है। वहाँ पे जब हम ऐसे जोर से मारेंगे तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमारे हाथ गर्म होते हैं, साउंड निकलता है। तो वैसे ही अर्थ के जो दो लैंड मासेस जब टकराते हैं तो वहाँ पे एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी जो शेक होती है, वाइब्रेशंस होती है, वहाँ पे लावा भी निकल सकता है अगर वो ज़्यादा, उसका एपिसेंटर ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो फॉल्ट प्लेन आर द क्रैक्स और सडन स्लिप्स ऑन द लैंड। अब जब फॉल्ट प्लेन जो होता है, जैसे एक लैंड मास दूसरे लैंड पर घिसता है तो ये ऊपर चला जाता है थोड़ा सा पोर्शन, तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट प्लेन्स बनते हैं, पहाड़ी बन सकती है या वैलीज बन सकती है। और जो हिमालय पहाड़ है, पूरा बेल्ट है हिमालय का, दैट्स ऑल्सो फॉल्ट प्लेन। वो जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, जो ऊपर वाला जो यूरोपियन यूरो एशियन टेक्टोनिक प्लेट से वो हमेशा टकरा जाता है उसके फोर्स से बिल्कुल नीचे, तो उसकी वजह से हिमालय का जो हाइट है हर साल 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होती रहती है। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्ट प्लेन जो हिमालय का है। तो फॉल्ट स्क्रैप स्क्रैप इज अ टोपोग्राफी एक्सप्रेस इन फॉल्ट एट्रीब्यूट टू डिस्प्लेस द लैंड सरफेस बाय द मोमेंट अलॉन्ग द फॉल्ट। जो लैंड सरफेस स्क्रैप होता है, एक पोर्शन ऑफ लैंड जब पूरा घिस जाता है दूसरे पोर्शन ऑफ लैंड पे, फॉर एग्जाम्पल ये इस पे, ये लैंड मास इस पे घिस जाएगा, तो जितना भी इसका मास इस पे ऊपर सरफेस पे चला जाएगा उसको फॉल्ट स्क्रैप बोलते हैं। तो यही फोकस है एग्जैक्टली, इसके ऊपर एपिसेंटर है, तो फिर ये फॉल्ट लाइन है बेसिकली। ये जब ये इस पे घिसता है, फॉर एग्जांपल ये इस पे यहाँ पे घिसेगा तो यहाँ पे पहाड़ बन जाएंगे, तो फिर एक फॉल्ट प्लेन बनेगा, पूरा एक सरफेस एरिया। तो ये पूरा इसका टोपोग्राफी जैसे बन गया, पहाड़ी वगैरह बन गया, अंडुलेटिंग बन गया, तो इसको फॉल्ट स्क्रैप बोलेंगे। तो अर्थक्वेक अब कैसे ऑकर होता है? तो प्राइमरी कॉज ऑफ जो अर्थक्वेक है, जो प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज फॉल्ट इन द क्रस्ट। जो फॉल्ट्स होते हैं बेसिकली, एक पोर्शन ऑफ लैंड जो दूसरे पोर्शन ऑफ लैंड के साथ पूरा टकराता है विद एनर्जी, उसको फॉल्ट्स बोलते हैं। तो फॉल्ट इज अ ब्रेक और फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स और रेस्पॉन्स। दो दो ब्लॉक्स, वही मैंने कहा एक फ्रैक्चर होता है, एक पूरा एक जब फ्रैक्चर होगा एक लैंड मास को पीछे से फोर्स आता है बिकॉज ऑफ सर्टन मूवमेंट्स विद इन द जो अर्थ है, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं। बेसिकली फ्लोटिंग जैसे होता है, अगर आप मानोगे कि एक दरिया में दो नाव है तो ठीक है, तो एक नाव दूसरे नाव के साथ टक्कर खाती है बिकॉज ऑफ जो, अगर उसे मोटर लगा होगा नाव में, या हम उसको चला रहे चप्पू से, या ऑलरेडी जो अर्थ जो रिवर की जो करंट्स है उसकी वजह से वो टक्कर खाती है। तो ऐसे ही अर्थक्वेक का भी है, जो लैंड मासेस है, जो अंदर का मोल्टन लावा होता है वो टेक्टोनिक प्लेट उस पर फ्लोट करते हैं बेसिकली। तो ये एनर्जी पूरा रिलीज करता है, ये दिस मोमेंट में ऑकर रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक और में ऑकर स्लोली इन द फॉर्म ऑफ क्रीप। दो ये टेक्टोनिक प्लेट्स अगर बहुत जोर से टक्कर खाएंगे तो उसको अर्थक्वेक बोलेंगे, अगर वो स्लोली करेंगे तो उसको क्रीप बोलेंगे। बेसिकली जो अर्थक्वेक का एंटोनियम है क्रीप, ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ अर्थक्वेक, अगर वहां पे क्रीप लिखा होगा तो देन यू गो फॉर द क्रीप। तो ये स्लो स्लोली जब टकराते हैं दो फॉल्ट, दो ब्लॉक्स एक फॉल्ट में, जो स्लोली अगर टकराएंगे तो उसको क्रीप कहेंगे, अगर रैपिडली बहुत जोर से इंस्टेंटेनियसली टकराएंगे देन इट इज अर्थक्वेक। तो अर्थ साइंटिस्ट बेसिकली जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, इसके अलग साइंटिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट बेसिकली इसके साथ डील करते हैं एंड यूज एंगल ऑफ फॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस नोन एज डिप। जो एंगल ऑफ सरफेस है फॉल्ट के साथ उसको डिप बोलते हैं बेसिकली। ये वाला जो ये एंगल होगा फॉल्ट सरफेस, जो हमने यहाँ कहा द एंगल ऑफ फॉल्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, जो ये सरफेस है इसके साथ क्या एंगल ये बनाएगा, इसको डिप बोलते हैं।
एंड द डायरेक्शन ऑफ द स्लिप अलोंग द फॉल्ट लाइन टू क्लासिफाई फॉल्ट्स। तो ऐसे ही फिर इसका क्या डायरेक्शन होगा, वैसे ही फॉल्ट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। दैट इज आई गेस वो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब फॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन कैसे, एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, ए डीप स्लिप फॉल्ट इन विच द ब्लॉक अबोव द फॉल्ट हैज मूव डाउनवर्ड्स रिलेटेड टू द ब्लॉक ब्लो। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के नीचे चला जब चला जाएगा उसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर्स फॉल्ट, जो डिप स्लिप फॉल्ट होता है, बेसिकली ये वाला डिप स्लिप फॉल्ट, ये वाला, ये जब दूसरे ब्लॉक के नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ये जब इसके नीचे चला जाएगा डिप स्लिप, आई गेस दिस इज अ डिप स्लिप, जब ये इसके नीचे चला जाएगा देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट। अगर इसके अपोजिट होगा उस दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स फॉल्ट ऑल्सो। तो ए डिप फॉल्ट इन विच अपर ब्लॉक अबोव द फॉल्ट प्लेन मूव्स अपवर्ड्स एंड ओवर द लोअर ब्लॉक। तो जब इसके अगेनिस्ट होगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट रिवर्स फॉल्ट। फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप। आई गेस हम ये स्किप करते हैं बिकॉज इट्स टू डीप आपके लिए। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमें बेसिकली पढ़ना है व्हाट इज द मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक रिलेटेड टू इट्स मैनेजमेंट। फिर भी ये प्रेजेंटेशन आपको पोस्ट ग्रुप में देन ऑन गूगल क्लासरूम, तो आप इसको देख लीजिए। इट इज जो लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप है, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप है, बेसिकली यहाँ पे ये फॉल्ट हॉरिजॉन्टल होते हैं। यहाँ पे कौन सा किस साइड जाएगा वैसे ही उसको लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल बोल सकते हैं। अब बेसिकली काजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या हो सकते हैं, तो एक तो हमने पढ़ा फॉल्ट लाइन जो बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, सरफेस काजेज हो सकते हैं कुछ। सरफेस काजेज बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किया है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की हमने, अर्थ जो के डिफरेंट लोकेशन पे से ओशंस में करते हैं या ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ जैसे पोखरान में किया था इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट, वैसे ही डिफरेंट कंट्रीज भी टेस्ट करते रहते हैं। तो वो एक सरफेस का, वो एक लोकलाइज्ड लोकेशन पे हो सकता है। और कुछ दिन पहले वो एयर बॉम्बिंग जो क्या था उसको कुछ समझ नहीं आया, उसकी वजह से भी सडन शेकिंग हुई। तो दैट आर द सरफेस काजेस जो बेसिकली ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकते हैं। दैन इज वॉल्केनिक, वॉल्केनिक बेसिकली एक्टिव होते हैं जो रिंग ऑफ फायर मैंने कहा पैसिफिक ओशन में। तो देर इज ए मेजर काज ऑफ जो वहाँ पे वॉल्केनिक पहाड़ फटते हैं, पूरा वहाँ पे लावा निकलता है, धुआं निकलता है, ऐश वगैरह निकलते हैं। तो ऐसा कहा गया प्रिमिटिव जो अर्थ था उसमें वॉल्केनोज ज़्यादा उसमें फटे थे, तो भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन उस टाइम इंक्रीज हुई थी, पार्टिकुलेट की मैटर इंक्रीज हुई, पार्टिकुलेट की मैटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी। फिर सन रेज जो है पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ना काले काले जो, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से सनरेज ब्लॉक हो गई। तो फिर ऐसा बोला जाता है कि उसकी वजह से आइस एज आई थी आज से बहुत साल पहले। तो वॉल्केनोस के बहुत जो है हार्मफुल इम्पैक्ट से वो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। तो ये थे दूसरा, ये था दूसरा रीजन। तीसरा है टेक्टोनिक प्लेट, जो अभी हमने जो फॉल्ट लाइन वगैरह डिस्कस किया था दैट ऑल इज रिलेटेड विद द टेक्टोनिक प्लेट्स। हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो सरफेस काजेज मैंने भी कहा जो एक्सप्लोजन्स वगैरह करते हैं या लैंडस्लाइड कहीं पे होता है या कभी जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम्स वगैरह वो उनकी उसमें शेकिंग होती है कभी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। एवलॉन्च रेलवे ट्रेन्स ये बेसिकली एक किसी पर्टिकुलर लोकेशंस पे हो सकती है। अगर आपका घर सड़क के नज़दीक है और आपने कभी महसूस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई हेवी व्हीकल चलता है सड़क पे, ट्रक चलती है या कोई ट्रॉलर चलता है या ट्रैक्टर वगैरह चलता है, तो आपके जो शीशों में एक वाइब्रेशन सी आती है। मीन्स कि वो एक वाइब्रेशन बाहर से जहाँ ट्रक
तकरीबन 100 मीटर या 200 मीटर दूर चल रहा है, फिर भी अर्थ की जो क्रस्ट है वो वहाँ से वो वाइब्रेशंस प्रोपोगेट होके आपके घर तक आती है। रिजल्ट इस कि आपके जो शीशे हैं हल्के से थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। मेरे घर में तो है, हमारी इतनी बड़ी सड़क नहीं है, तो मेन रोड तकरीबन है 200 मीटर के आसपास होगा, उससे कम ही होगा। तो जब भी बड़ा कोई व्हीकल रात में चलता है, दिन में तो कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि शोर होता है, तो रात के टाइम बिल्कुल सीधा मतलब महसूस होता है कि बाहर से कोई ट्रक चल रही है, हम वो वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। तो ऐसे फिर ये सारे जो है माइनर ट्रिमर्स वगैरह वो क्रिएट करते हैं, दैट आर ऑल बिकॉज ऑफ मैन मेड। अदर नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो सकती है, एवलांच हो सकता है, फिर जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बिल्कुल एक पूरा लावा यहाँ पे होता है, फिर वो पूरा एकदम से क्रस्ट को फाड़ के बाहर निकलता है माउंटेन के मुंह से, तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये अर्थक्वेक भी प्रोड्यूस करता है वॉल्केनिक ऐश, लावा वगैरह, ये पूरा जहाँ पे या यहाँ पे होता है। तो जहाँ पे इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, पोम्पाई जो एक सिटी है वो बेसिकली वॉल्केनो फटने से ही ख़त्म हो गई थी पोम्पाई। उसमें पूरा लावा जब आया था, जितने भी लोग थे वहाँ पे वो पूरे जल गए वहाँ पे। तो जितनी भी यहाँ पे बस्ती आबादी होगी, रेजिडेंशियल एरिया जो होगा वो पूरा खतरे में है। प्लस एक तो अर्थक्वेक आ सकता है, दूसरा जो इसके इससे हार्मफुल जो है केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, बोला यहाँ पे पानी भी निकलता है कभी कभी, तो दैट्स ऑल्सो वेरी हार्मफुल। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस होती है लिथोस्फेयर में, जो मेन कॉज होता है अर्थक्वेक का। नॉर्मली जो अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इसमें वही स्ट्रेस होता है एक प्लेट में दूसरा प्लेट के साथ, सडनली वो फिर टकरा जाता है, एंड देन द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन पूरा हमें नज़र आता है, फिर ऑन द सरफेस कितना डिस्ट्रक्शन वो करते हैं। तो अगर हम वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक से, वो उसकी बात करें, सेस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, वे बेसिकली जो दो टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव जो ये होती है बेसिकली जो ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर चलती है, जैसे अर्थक्वेक आता है पहले हमें हल्का सा झटका लगता है, दैट इज द बॉडी वेव। फिर सरफेस वेव उसके बाद आती है, जैसे हमने अभी वो पानी में हमने जैसे कंकड़ डाला तो वो रिपल्स बन गए थे, दैट आर द सरफेस वेव्स, वो बहुत डिस्ट्रक्शन करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऐसे मकान है, तो ऐसे अर्थक्वेक आएगा तो पूरा ऐसे हिल जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस ऊपर नीचे जो सरफेस ऑफ अर्थ होती है ऊपर नीचे हो जाती है एक वेव फॉर्म में, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो इससे उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे आप दूसरी जो देख सकते हैं व्हाट हाउ आर द सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, पी वेव एंड एस वेव। बॉडी वेव जो ट्रेवल्स थ्रू इंटीरियर बॉडी ऑफ द अर्थ, या तो मैंने गलत कहा, बॉडी वेव्स सरफेस से नहीं बॉडी ऑफ अर्थ से चलती है, एंड सरफेस ऑन द सरफेस चलती है, यहाँ पे मैंने गलत मेंशन किया आई गेस। ये बॉडी वेव है, बॉडी वेव है, और ये सरफेस वेव है, ये पूरा अर्थ की क्रस्ट के अंदर से चलती है, एंड द सरफेस वेव ऊपर से चलती है, देन बॉडी वेव कॉजेज मोर डिस्ट्रक्शन। तो ये दो फॉर्म में होती है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव जो होती है अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले एस वेव का जो फॉर्म होता है तो कैसे होता है, सरफेस वेव उतना नहीं होता है, क्योंकि ये उतना इसका जो है वेरिएशन नहीं है, पी वेव से उतना इम्पैक्ट नहीं होता है।
तो फिर डिफरेंस क्या है पी वेव एंड एस वेव की, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है दोनों की हाई होती है, प्रॉपर्टीज बेसिकली दोनों की है, फ्रीक्वेंसी दोनों की हाई होती है। फ्रीक्वेंसी मींस पर सेकंड कितने वो ट्रफ्स एंड क्रस्ट कंप्लीट करे, कितने साइकिल्स वो कंप्लीट करेंगे पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी बोलती है उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मीन्स कि ये वाले वेव्स पर सेकंड कितने होंगे, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोनों शॉर्ट लेंथ होते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट लेंथ होंगे ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी शॉर्ट लेंथ ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो इसकी लेंथ अगर कम करेंगे तभी नंबर ऑफ जो साइकिल्स है इंक्रीज होंगे, अगर इसको लंबा करेंगे पर सेकंड नंबर ऑफ साइकिल्स भी डिक्रीज होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स ऊपर नीचे, ये जो बताता हूँ ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स पूरा ऊपर नीचे चला जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, सीधा ये सीधा चलती है, पासस थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी चल सकती है, कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स मीन्स जैसे पानी है उसके बीच में नहीं चल सकती है, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम लिक्विड्स ओनली सॉलिड्स। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में चलती है, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इट एज इट इज कंप्रेस्ड एंड डिकम्प्रेस्ड, ये आगे पीछे जो आगे पीछे भी चलती है। जैसे हमने गेंद है फुटबॉल को उसको प्रेस किया मीन्स हमने उसको आगे ढकेल दिया, एंड जब उसका हम छोड़ते हैं वो डिकम्प्रेस हो जाती है कंप्रेस, वैसे ही एस पी वे भी होती है मीन्स जैसे रबर को खींचा फिर उसको छोड़ा, ये वैसे ही है, चुजिया टर्न छटान, बस इतना ही होता है ये पी वेव। तो एस वेव जो होती है ये ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है, ये खाली लॉन्गिट्यूडनल जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे वाला यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ से जब एस वेव निकलेगी तो ये यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, और जो पी वेव होती है तो एक ही डायरेक्शन में जाती है, यहाँ से अगर यहाँ पे एपिसेंटर है तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, बट ये जो है 360 डिग्री हर किसी एंगल में फैलती है। तो पी वेव जो है फास्टर होती है, जब हम अर्थक्वेक जब आता है तो पहली वेव हम जब जो महसूस करते हैं तो वो होती है पी वेव, और उसके बाद जो एस वेव आती है, जो यहाँ पे भी मेंशन किया है एस वेव इज पी वेव के बाद एस वेव आती है। तो सरफेस वेव्स जो इसका दूसरा है, इसका प्रेजेंट ऑफ टू वेव्स, लाउ वेव्स एंड रेले वेव्स। सरफेस वेव्स ट्रैवल पैरेलल टू द अर्थ सरफेस एंड दीज वेव्स आर स्लोवेस्ट एंड मोस्ट डैमेजिंग। सरफेस वेव्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जो ये बहुत स्लो मूव करती है और बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेले वेव जो है ये वाली, तो ये कैसे मूव करती है ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में, बट ये जैसे ये लव वेव ऐसे है जैसे सांप चलता है पूरा, तो ऐसे करके ये होती है, ऐसे अगर ऐसे चलेगी फिर ऊपर नीचे ऐसे करके वो होती है पी वेव। मीन्स ये जो सरफेस है इसके रिलेटिव अगर ये वेव ऐसे चलेगी मीन्स दैट इज कॉल्ड रिले वेव, और ये पूरा सरफेस है अगर ये हम लेंगे इसके लिए अगर ऐसे सांप के जैसे चलेगी दैट इज कॉल्ड लॉन्ग वेव। तब इसमें डिफरेंस जो प्रॉपर्टीज वगैरह है इसमें क्या है, गाइडेड वेव्स दोनों, आई गेस यहाँ सरफेस जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये पैरेलल टू द सरफेस होता है, यू ये सरफेस इससे इसके पैरेलल होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लव वेव डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट होता है ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे पैरेलल होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो लव वेव्स ये फास्टर होते हैं एंड जो रेले वेव्स है ये स्लो होती है। तो काजेस हॉरिजेंटल शिफ्ट ऑफ द अर्थ, जो हॉरिजेंटल शिफ्ट है बिल्कुल जो हम अगर एक जगह से देखेंगे खड़े होकर पूरा स्ट्रेट देखेंगे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये उसमें चेंज लाती है, कहीं पे पहाड़ी वगैरह बना सकती है, कहीं पे कुंजाए बनाई दो अब वहाँ पे एलिवेशन डिक्रीज कर सकती है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ
रेले वेव्स। तो ग्राउंड मूव्स इन सर्कुलर मोशन, जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव करता है ग्राउंड। तो आई गेस ये कहीं पे भी इतना मेंशन नहीं किया होगा कि बॉडी वेव्स की डिफरेंस दो टाइप्स है, पी वेव्स एंड एस वेव, सरफेस वेव्स की दो डिफरेंट ये पॉप वेव्स है, डिफरेंट वेव्स, लाओ एंड रेले वेव। यू मस्ट जो है रिमेम्बर दिस। तो उसके बाद